नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको केवल यूपी बोर्ड के लिए 23 या 25 ट्रांसलेशन कराऊंगा, जिसमें से आपके 5 अंक सिक्योर हो जाएंगे। आपका पहला सेंटेंस है, सुभाष चंद्र बोस भारत माता के एक महान सपूत थे। तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो अर्थात यह एक सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में आप जानते हैं कि आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का यूज करते हैं, और अन्य सभी सब्जेक्टों के साथ आप वर का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष एक नेम है, तो नेम लिख देंगे सुभाष चंद्र। बॉस के लिए आप बॉस लिख देंगे, तो यह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप थे, यह केवल सम्मान के लिए थे लिखा है, लेकिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज। सुभाष चंद्र बॉस क्या थे? एक महान सपूत, तो आ महान की होती है फ्रेंड्स ग्रेट, सपूत के लिए आप जानते हैं सन, आ ग्रेट सन। काके की बात करें तो भारत माता के, तो द मदर इंडिया। तो पहला सेंटेंस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया या द मदर इंडिया। आप चाहें तो द को हटा सकते हैं। तो पहले सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर देंगे, उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। पैसे बॉयस है, उन्हें एक प्रोनाउन देना लिखें, क्योंकि एक सुभाष चंद्र बोस एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनके लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आप ही का यूज करेंगे, जाने जाते हैं ही। अब जाने जाते हैं तो देखें, पैसे बॉयस है, किताब पढ़ी जाती है तो द बुक इज रीड, किताबें पढ़ी जाती हैं तो द बुक्स आर रीड। तो इसी प्रकार से जाने जाते हैं तो इज, ही इज। अब जानवे की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं नॉन, नॉन, ही इज नॉन। वे जाने जाते हैं किस नाम से? नेताजी के नाम से। तो आप लिख देंगे द नेम ऑफ नेताजी। तो ही इज नोन द नेम ऑफ नेताजी। अगला सेंटेंस क्या है? उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनका जन्म, तो पैसे बॉयस में बनता है ये हमेशा, तो क्या लिखेंगे आप कि ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था, क्योंकि हम दूसरे के द्वारा लेते हैं तो पैसे में बनता है ही वॉज बॉर्न। वह पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? 23 जनवरी 1897 कटक में। तो पहले तारीख लिखी जाएगी, तो तारीख से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन 23rd जनवरी, तो जी कैपिटल ही रहेगा आपका जनवरी। ऑप्शन लिख देंगे 1897 इन कहाँ? कटक। तो कटक लिख देंगे CUTTAC, कटक। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन कटक। आपका वहां तक कंप्लीट हो गया है। उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस था। उनके पिता का नाम आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं द नेम। अब काकी के की आप जानते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ द नेम ऑफ उनके पिता की, तो आप पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर हिज लिख देंगे, हिज फादर। यह आपका बन गया कि द नेम ऑफ हिज फादर था। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? वॉज क्या था? श्री जानकी नाथ, तो श्री या डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं, श्री क्या? जानकी नाथ, तो जानकी नाथ, जानकी नाथ। तो द नेम ऑफ हिज फादर वॉज श्री जानकी नाथ। और बॉश है तो बॉश भी लिखते हैं, जानकी नाथ बॉश। अगला सेंटेंस है, वह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना चाहते थे। वह चाहते थे, सबसे पहले लिखेंगे ही, चाहते थे पास्ट टेंस ऑफ नेट है, तो वांटेड, ही वांटेड। क्या कराना चाहते थे? मुक्त। तो आपको यहां लिखना होगा टू मेक कैसे इंडिया को, तो इंडिया, टू मेक इंडिया
क्या कराना चाहते थे, फ्री, तो यहाँ लिख देंगे फ्री, टू मेक इंडिया फ्री से के लिए आप फ्रॉम का यूज कर देंगे, फ्रॉम किससे, ब्रिटिश शासन अर्थात द ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश रूल। तो ही वांटेड, वह चाहते थे टू मेक, कराना इंडिया माने भारत को फ्री, स्वतंत्र, फ्रॉम से द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन से। तो इस प्रकार से आपका यह 2016 में पूछा गया एक पैसेज मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करा दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।